रामो राघवं सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेन अभिहिता निशाचर चमुः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे राम मामुद्धर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरि ओम् ओम् श्री परमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे गुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामहाः पाण्डवाश्चैव किमगुर्वद सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं द्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपशङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्र आचार्यमुपसंगम्य पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां आचार्यमगतीं शमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमदा अत्र शूरा महेश्वाशाग भीमा अर्जुनशमायुधि युधानो विराट भीमा अर्जुनशमायुधि भीमार्जुनसमायुधि युयुद्धानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टके दुष्टे शेकितानग काशीराज्यश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्दिभोजश्च शैप्यश्च नरभुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधत्रिजोत्तम नायका मम सैन्यश्च संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौदत्तिर्ततैव च अन्येष भगवशूराग मदत्येत्यक्तजीविदाग नानाशस्त्रप्रकरणाग सर्वे युद्धविशारदाग अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विधमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु स सर्वेषु यथा भागमवस्थ
स्थिता भीष्ममेव विक्षन्त भवन्त सर्वयेव हि तस्य सञ्जनयन् वशं कुरु वृत्तामाग सिंहतं विनत्योच्चैः शङ्खं दद्मो तदा वा शङ्गाशपेर्येष नवानघोभाशैवाप्यन्हन्त सप्तस्तुमुलोपवद् तत्तस्वेदयर्हयर्युक्ति मगधिष्यन्तनेस्थितौ ततस्वेतयर्हयर्युक्ते मगधिष्यन्तने स्थितौ माधवाः पाण्डवाश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मधुः पाञ्चशन्यं ऋषिगेशग देवदत्तं धनञ्जयहि जयः पौण्ड्रौ महासङ्गं भीमकर्मा गृहोदरग अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरग नकुलशग देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वाशग शिखण्डीश महारथारथः दृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मो बृदक् बृदक् सघोषोदात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं शैव तुमुलो व्यनुनादयन् अधस्वस्विवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कभित्वजग प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुत्तम्य पाण्डवग कृषिकेशं तथा वाक्यम् इदमहमहिबदे अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युतः यावदेतान्निरीक्षेखं योत्सुकामानवस्थितान् कैर्मयाशकयोत्तव्यम् अस्मिन्रणसमुद्यमे योच्यमानानवेक्षेखं येदेत्र समागताः मुक्तो कृषिकेशग कुटाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मत्रोणप्रमुखतः सर्वेषां समगीषिताम् उवाच पार्थपश्यैतान् समवेतान् कुरुनिधि तत्रापश्यस्थितान् पार्थः पितॄर्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं स्थिता
स्वशुरान् सुकृतश्चैव शेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय शकौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् अर्जुन उवाच सॉरी कृपया परया विष्टक विसीतन्नितमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीतन्ति मम कान्त्राणि मुखं शपरिशुष्यति पेपतुश्च शरीरे मे रोमकर्षश जायते काण्डीवं संशदेहस्तात् त्वक्चैव परितह्यते न च सक्नोऽप्यवस्तादुं प्रमदीव जनमे मनः निमित्तानि शपश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमागवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानिश किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नक राज्यं भोगासुखानिश त इमे वस्थितायुत्ते प्राणां त्यक्त्वा तनानिश आचार्याः पितराः पुत्राग तथैव च पितामहाग मातुलाश्वसुराः पौत्राग श्याला सम्पन्तिनस्तदा एतान्न हन्तुमिच्छामि क्नतो विमधुसूतक अभित्रैलोक्यराज्यस्य राज्यस्य हेनो किं नु महीकृते निगत्यदार्थराष्ट्राण का प्रीतिश्या जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैदानातनायिन तस्मान्नार्गा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्ववान्धवान् स्वजनं हि गतं हत्वा सुखिनश्याममाधव यत्यप्येते न पश्यन्ति लोपोपगतशेदशक कुलक्षयकृतं तोषं मित्रत्रोगेशपातकम् कथं न ज्ञेयमस्मामि पापातस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं तोषं प्रपश्यत्तिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणयष्यन्ति कुलधर्माशनादनः धर्मे नस्ते कुलं कृष्णम् अधर्मोऽपि भवत्युत अधर्मोऽपि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु तृष्टाशु वा स्नेयः जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकाैव कुलज्ञानां कुलक्ष्यश पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्सात्यन्ते जातिधर्माः
कुलधर्माश शाश्वताग उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरगे नियतं वाशग भवदित्यनुशुश्रुम अगोपदमगत्पापं कर्तुं विवसिता वयम् यत्राजसुकलोभेन कन्तुं स्वजनमुच्यदाग यतिमाम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयग धार्तराष्ट्रारणे कन्युग तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एव मुक्त्वार्जुनशङ्क्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं सापं शोकसंविघ्नमानशग ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोः नाम प्रथमोऽध्यायः हरि ओम् हलो आम् उत्तमम् उत्तमः प्रयत्नः It was a nice recitation. Just one thing, just note these things. Can you recite the 14th shloka, Bhagini? Tatasvetayar. Tatasvetayar kayayar yukte magadishyanta nesthitau. Tatasvetayar kayayar. One second. Tatashvetair hayair yukte. Tatashvetair hayair yukte. Hayair illa, hayair. Hayair. Tatashvetair hayair. Hello. Mahadish yandane illa. அது வந்து மகத்தி சந்தனே தாக்கு பல சொல்லியதில் மகத்தியில மகத்தி 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 சந்தனே ஸ்திதௌ சந்தனே இல்ல சந்தனே ச சிவன் நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல நீங்க வந்து ஹக்கு பல க போட்டுறீல் க வரும்போது நீங்க க சொல்லிறீல் அது வந்து மகத்தி சந்தனே ட்ரை பண்ணுங்க மகத்தி சந்தனே ஸ்திதௌ என்னன்னா நீங்க தமிழ் புக் வச்சு படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து நீங்க அந்த 1 2 3 4 ரூல் நீங்க பாத்துக்கோங்க பட் இட் வாஸ் நைஸ் பகினி உத்தம பிரயத்னஹ தன்யவாதக தன்யவாதக தன்யவாதக